नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, और मुझे लगता है कि आप अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसका महत्व समझ चुके होंगे कि कितना स्थान है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए एनसीईआरटी। कक्षा छठवीं से लेकर आप लोगों को ट्वेल्थ तक, यानी कि कक्षा 12वीं तक सभी बुक्स पढ़नी है। और आप सभी ने देखा है कि हम लोगों ने कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की आपकी जो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन्हें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उनकी पीडीएफ की बात करूं तो उनकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और वही वही पीडीएफ डाली गई है जो आपके लिए एक तरह से महत्वपूर्ण है, जो सिर्फ आपको पढ़नी है बुक्स। और मुझे नहीं लगता है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप कुछ उखाड़ सकते हैं, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। इसलिए समय रहते हुए आप लोग कम से कम एक से दो बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप उन लोगों की बातों में आइए मत जो कहते हैं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए सिलेक्शन हो गया था। देखिए, मैं कहता हूं कि हो गया होगा। आप समझिए कि सीबीएसई में उन लोगों ने पढ़ी है, और हो सकता है कि उन्होंने आपसे झूठ भी बोला हो, लेकिन हकीकत यही है कि आप किसी बोर्ड से होते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है, आप किस तरह से पढ़ते हैं, इसे आप लोग बेहतर जानते हैं। और एक तरह से आप कहिए कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं 9वीं तक की तो बुक्स वो हैं जो बहुत ही सीधे साधे शब्दों में लिखी गई हैं। एक तरह से आप मकान बनाते हैं तो जब नींव भरते हैं ना, वही है एक तरह से। अब आप 10 11 12वीं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, और यही कहिए आप लोग मकान बनाने की प्रोसेस यहीं से चालू हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही थी कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी और कैसे उपलब्ध होंगी, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई गई थी, उसी में सभी क्लासों की आपके जो भी लेक्चर लिए गए हैं डले हुए हैं, जो भी आपकी पीडीएफ है सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और भी जितनी आपके लिए मुझे लगता है कि जीके जीएस स्टेट जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए जो भी आपकी पीडीएफ है उन्हें सबको डाल दिया गया पीडीएफ टेलीग्राम पर। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत है इसके लिए, काफी इतना मटेरियल है। फिर चाहे आपका एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो। और एक बार और बताऊं आपको कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लेना, आपके एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, सिविल सर्विस यानी कि आईएएस हो गया, इनके आपके क्वेश्चंस पेपर भी 9 से 10 साल के सॉल्व करवा दिए गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से, एक हम लोगों ने दोस्त की तरह। और अगर कोई कमी रह गई हो कहीं, आप लोग जब भी कोई क्लास लेता हूं तो अगर कहीं कमी रहती तो उसे नीचे थोड़ा विस्तार से सुधार के लिख दिया करिएगा। मैं तो यही सोचता हूं कि ना तो मुझे कुछ आता है ना ही आपको कुछ आता है, हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हो। और इसे आप लोग जब खरीदने जाएंगे, ये आपकी कक्षा 11वीं की आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कक्षा 10वीं तक की जो भी बुक्स थी जिन्हें भी हम लोगों को कंप्लीट करना था उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ज्यादा टाइम उसमें बर्बाद नहीं होगा आपका, बहुत पतली पतली बुक्स हैं, अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर क्लासों की बात करें तो उसकी सब क्लासें आपकी प्लेलिस्ट सूची में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 6वीं की देख लीजिए, 7वीं की, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इन सबको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी बचती है 11वीं और 12वीं। तो 11वीं में आप सभी जानते हैं कि आपको राजनीति विज्ञान में दो बुक्स हैं आपकी कक्षा 11वीं में, ये आपकी है राजनीतिक सिद्धांत, दूसरी रहेगी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। तो पहले हम लोग बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की, एक कक्षा 11वीं की है, एक तरह से पार्ट 1 कह सकते हैं आप लोग। अब आपके मन में होगा कि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका क्या ऊपर जो पेस्ट रहता है उसका क्या रहेगा, तो एक बार आप लोग पिक्चर्स देख लीजिए। देखिए इस तरह रहेगा, इस तरह का इसका मुख्य पेस्ट रहेगा राजनीतिक सिद्धांत, और कक्षा 11वीं के लिए पाठ पुस्तक है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग खरीद सकते हैं, या मार्केट में मिल रही हो, नहीं मिल रही है तो आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई, वहां से अभी आप लोग डाउनलोड करके कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या आपका ऑनलाइन पढ़ने का मन है तो आप पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सभी सिविल सर्विस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है।
क्योंकि जब आपने कदम रख लिया है इस रण क्षेत्र में, तो आपने पहले टटोल तो लिया होगा इस क्षेत्र को, समझ रहे हैं? और कम से कम आप लोग, मैं तो इतना ही कहता हूं कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो या ऑप्शनल हो, सबके क्वेश्चंस पेपर अपने सामने रखिए, कम से कम आप लोग 5 से 6 साल के, उन्हें मैं तो कहता हूं जितनी बार हो सके पढ़िए, आपको मालूम चलेगा क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। और अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी आप लोग क्वेश्चंस पेपर देख लेना, तभी आप लोग शुरू करना मुझे लग रहा है। और जब आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की या कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग, तो 2-3-4 बातें तो आप लोग ध्यान रखते कि उससे पुराने पहले क्या स्थिति थी इस काम की, और अभी करंट में क्या स्थिति है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उससे जुड़ी बातें क्या हैं। तो एक तरह से आप कहिए कि सिलेबस क्या है, पुराने पेपर क्या है, नया पैटर्न क्या है। और एक आपके सामने जब भी आप टेबल रखते हैं तो उसके सामने एक मैप्स लगा होना चाहिए, वर्ल्ड मैप्स भारत का और आपके स्टेट का, ठीक है? तो याद रखिए। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत में हमें कितने चैप्टर देखना है, कौन कौन देखना है, सब देख लेते हैं पहले। एक कक्षा 11वीं की है, ठीक है? और कक्षा 11वीं की पहले सभी बुक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद कक्षा 12वीं की भी हम लोग सभी बुक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप लोगों को और भी जो भी बुक्स हुआ करें आप लोग बताइए, उनकी भी हम लोग PDF भी उपलब्ध करा देंगे और उन्हें भी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है उतनी कवर करवा दी जाती है, ठीक है? इसमें आप लोग पहले इसे देख लीजिए, आगे हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। ये भारत का संविधान आप देखते होंगे भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कहने का मतलब है जिस तरह से आप देखते हैं भाग 3 में आपके अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से आपके मूल कर्तव्य हैं। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आप कोई रिलेशन रख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि सामने वाला आप पर भरोसा कर रहा है, तो आपको भी तो भरोसा बनाए रखना होगा, ऐसा नहीं कि उसके भरोसे को आप लोग तोड़ दें। तो यही है, एक तरह से आपका भी कर्तव्य होता है कुछ, और कुछ आपको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। और मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि आप समझिए, अगर आप अपने मौलिक कर्तव्यों से और मौलिक अधिकारों से एक तरह से परिचित हो गए अगर देश, तो सोचिए आप लोग कि 80 से 85% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं, और ये बात आप लोग शायद जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि इसमें जो भी नुकसान हो रहा है आपका ही हो रहा है, किसी नेता का नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सुना कि वंदे मातरम कोई ट्रेन चलाई गई थी, आप तो सभी ने सुना होगा, दिल्ली से बनारस के लिए। उसमें किसी ने, यूपी वालों ने पत्थर मारे, बोला कि मोदी की ट्रेन है, मोदी की। कहां से मोदी, सिर पे रख के लाएगा? आप लोगों के ही पैसे की है, आप ही नुकसान उसका भर रहे हैं, आपके ही टैक्स से उसका जो भी नुकसान होगा आप भरना होगा। देख लेते हैं कौन कौन से आपके एक तरह से मूल कर्तव्य हैं। और याद रखिए, ये आपके मूल संविधान में नहीं थे, ये भी आप लोग जानिए, समझ रहे हैं? 1976 में आप जानते हैं कि जोड़े गए थे एक तरह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा, मैं सही नहीं हूं तो यही है, ठीक है? और एक बात और आप लोगों से कहता हूं कि अगर कहीं गलती हो जाती है इस तरह के बताने से, वैसे तो कोशिश रहती है कि सही ही बताया जाए, तो उसका सही जवाब आप लोग नीचे लिख दिया करेगा, क्योंकि कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है? ये मत गिनाना लगना कि आपकी ये कमी है, मानता हूं कि हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। मूल कर्तव्य की बात करें तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे,
प्राकृतिक पर्यावरण की जिसकी जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए परिवर्तन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या फिर पितृपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये लास्ट आप देखेंगे, ये जोड़ा गया था आपका 86 के संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तब आपने देखा होगा 21 का में आपका शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था, उसी समय की बात है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 6 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार, एमपीपीएससी में आप लोग देखते होंगे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बात आप लोगों को बताऊं, अगर लिखित परीक्षा यानी कि मेंस में कभी क्वेश्चंस आ रहा है इस तरह का, अगर आपको सभी याद है तभी आप लोग क्रम डालकर लिखना। अगर आपको सभी याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, अगर 11 ही आपको याद नहीं है तब आप डैश लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 11 ही याद है क्रम से तो आप 1 2 3 या काखा गाडा लिख सकते हैं, एबीसी डालकर लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्रम नहीं डालना है कभी भी, इस क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आपको याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वहां आप लोग डैश लगाकर लिखा करिएगा। जब भी परीक्षा आपकी जो भी पुस्तक चेक करता है कॉपी, तो कम से कम उससे एक तरह से मालूम रहता है कि हाँ इसने, अगर नहीं पूरे अगर आपके 10 भी हैं तब भी वो चेक करके वो नंबर दे देगा आपको। अगर आप क्रम से डालते हैं तो उसे अपने आप मालूम चल जाएगा कि इसने 10 लिखे एक छोड़ दिया है, तब नंबर कटने की पूरी संभावना रहती है। तो जहां तक संभव है आप डैश लगा के लिखिए, एक डैश कर दिया आप लोगों ने, फिर उसके नीचे आइए दूसरा लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। और एनसीईआरटी से एक क्या रहता है कि आपका बेस मजबूत हो जाता है, और जब आप लिखित परीक्षा में बैठते हैं तब आपको एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और वैसे भी प्रीलिम्स में आप आजकल क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं जो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, ये कोई वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं है कि आप लोग रट लीजिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, आपसे कह देंगे 1869 में, इनकी डेथ कब हुई 1848 में, इस तरह के क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बड़े एक तरह से फंसाने वाले क्वेश्चन, तभी तो देखते हैं 50 51 पर आपकी मेरिट लिस्ट उठ जाती है, 48 50 के बीच, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसे बड़े अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग। और वो समय खत्म है कि आपको 12th में आपने एक बुक से लई उसे रट लिया और आपने 95 नंबर ले आए, 100 नंबर ले आए, समझ रहे हैं आप लोग। यहां आपकी सोच पर निर्भर करता है आप किस तरह से सोचते हैं। आपके लिए आप सोचे कि आपके लिए महिलाओं पर एक निबंध, महिलाओं की एक सशक्तिकरण से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, अब आपकी सोच पूछ रहा है और आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहां आपको अपनी तरफ से निर्णय लेना होगा, समझ रहे हैं आप लोग। आपके लिए लठ भांजने के लिए आपको नहीं भेजा जा रहा है कि आप कॉन्स्टेबल बन गए वहां आपने लठ चलाना शुरू कर दिया किसी पर, कहां डिस्कशन, मतलब आप सोचिए कहां किस तरह का निर्णय लेना है उस क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं। चलिए खैर से देख लीजिए आप लोग विषय सूची, इसमें आप देखेंगे अध्याय फर्स्ट में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय हम लोग जानेंगे, बहुत ही साधारण शब्दों में होंगे। अगर आपको लगता है कहीं कोई मैंने गलत बता दिया है तो आप भी अपना सहयोग देता रहना, ठीक है। एक ना तो मैं कुछ जानता हूं और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, यही हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 2 में हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की जा रही है। फिर हम लोग अध्याय 3 में समता के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 4 में हम लोग सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 5 में अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 6 में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि जब से नई गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनी हुई है, एक तरह से मोदी प्रशासन आया हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है, तो उसे भी देखेंगे हम लोग। धर्म निरपेक्षता के बारे में जानेंगे, शांति के बारे में भी जानेंगे अध्याय 9 में, और अध्याय 10 में हम लोग विकास के बारे में जानेंगे, कौन सा विकास है, ठीक है।
और ये मुझे लगता है कि आप लोग अगर सिलेबस आप लोगों ने उठा के देखा है या पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें तो आप लोगों को इनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है आप लोग जानते होंगे। अधिकार आप देखते हैं, सामाजिक न्याय के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो यही है आपका एक तरह से 10 चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर होगा आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। नीचे आपका ये भारत का संविधान की जो उद्देशिका है इसे भी देख लीजिए। मुझे तो वैसे लगता है कि ये रट गई होगी आपको और रट भी जानी चाहिए क्योंकि कक्षा 6वीं से आप लोगों ने जो भी बुक्स उठाई है उसमें शुरू में आपको ये पढ़ने को जरूर मिली है। और मुझे लगता है आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इस तरह की छोटी मोटी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछ ले क्वेश्चन और ना पूछे तो कोई भी आपसे पूछ ले। अब आप कोई नेता तो बनने नहीं जा रहे कि GST का फुल फॉर्म पूछा किसी ने आपको नहीं आता है, आपसे वंदे मातरम किसी ने पूछा आपको पूरा नहीं आ रहा, राष्ट्रीय गान नहीं आ रहा है, राष्ट्रीय गीत भी नहीं आ रहा है आपको। तो ये तो कुछ मतलब नॉर्मल जानकारी है। अभी शिक्षा मंत्री उत्तराखंड किसी शिक्षा मंत्री का मैं देख रहा था बयान, किसी उसमें मीडिया वाले ने पूछ लिया सर तेरे का पहाड़ा पढ़ा दी सुना दीजिए, तो वो उस पर चिल्लाने लगी। वहीं दिल्ली के आप शिक्षा मंत्री को देखिए और इससे पहले आप लोग आजादी के टाइम देखिए तब हमारे नेता पढ़े लिखे थे, तभी तो आप सोचिए किस तरह से संविधान उन्होंने लिखा कि आज भी हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में एक तरह उसी से बंधे हुए हैं, वरना पता नहीं कितने देश के हमारे कितने टुकड़े हो जाते। समझ रहे हैं आप लोग उद्देशिका को, आप लोग इतना कि कंठस्थ याद हो जाए जिस तरह से आप हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं या कोई आप देखते थे बचपन में आप लोग स्कूल में वो क्या बोलते थे कविता प्रार्थना करते थे उसे भी याद हो जाती। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और मुझे लगता है कि ये आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू हो गया था लेकिन पूरी तरह से आप कहिए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन दो डेट को बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो यही कहानी है आपकी। 42 बार जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था और आप जानते हैं कि इसमें एक मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं छोटा संविधान क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया गया था। और ये आप जानते हैं कि 1976 राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है इंदिरा गांधी के समय की। तो यही कहानी है कि और हम लोग चलिए हम फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे।